वेरी गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक. टॉपिक है अपना कंपोजिशन एंड ऐसे, मतलब हम इसको कंपोजिशन भी बोलते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं. COMPOSITION कंपोजिशन एंड ऐसे. ओके, कंपोजिशन मतलब ऐसे, मतलब वही होता है निबंध जो आप करते हैं ना, हिंदी में भी करते हैं, दीपावली, रक्षाबंधन, होली, इस पे भी ऐसे ही है. माई स्कूल, मेरा विद्यालय, माई फ्रेंड, माई सेल्फ, मतलब खुद पर. तो कंपोजिशन यानी ऐसे राइटिंग होता है. तो आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, दे रही होगी बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर पिक्चर आपकी एप्पल दिख रहा है ना आपको. क्या है ये? एक एप्पल है. तो माई फेवरेट फ्रूट, आज हम कंपोजिशन करेंगे माई एफ ए बी ओ यू आर आई फेवरेट फ्रूट एप्पल. माई फेवरेट फ्रूट एप्पल, क्या है ये? एप्पल. ओके, तो आज हम एप्पल पे कुछ लाइंस डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं कंपोजिशन या ऐसे राइटिंग. ओके ना, सो लेट्स स्टार्ट. ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन कंपोजिशन. फर्स्ट लाइन इज माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. My favorite fruit is apple. मेरा फेवरेट फ्रूट क्या है? एप्पल है. मतलब मेरा जो पसंदीदा फल है वो कौन सा है? एप्पल. कौन सा है? एप्पल. नेक्स्ट, सेकेंड लाइन, इट कम्स इन विंटर सीजन. इट कम्स इन विंटर सीजन. कौन से सीजन में खाते हैं हम इसे? सबसे ज्यादा कौन से सीजन में आते हैं एप्पल? विंटर सीजन में, यानी सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा एप्पल आता है. तो इट कम्स इन विंटर सीजन. कौन से सीजन में आते हैं एप्पल? विंटर सीजन में. थर्ड, It is red, yellow and green in color. And green in color. कौन कौन से कलर का होता है एप्पल? It is red यानी लाल, yellow means पीला and green in color और हरे रंग का होता है. ओके, तो कौन से कलर का होता है? इट इज रेड, येलो एंड ग्रीन इन कलर. कौन से कलर का होता है एप्पल? रेड कलर का, येलो कलर का और ग्रीन कलर का होता है एप्पल. ओके, फोर्थ, इट हैज स्मॉल सीड्स इनसाइड. कैसे सीड्स होते हैं इसके? बिल्कुल स्मॉल स्मॉल सीड्स होते हैं. जब हम एप्पल को कट करते हैं तो उसके बीच में से कैसे सीड्स निकलते हैं? बिल्कुल स्मॉल सीड्स निकलते हैं ना. तो इसके सीड्स कैसे होते हैं? बिल्कुल स्मॉल होते हैं. इट इज स्वीट इन टेस्ट. खाने में कैसा होता है ये? मीठा होता है. कैसा होता है खाने में? स्वीट होता है यानी मीठा होता है. इट इज स्वीट इन टेस्ट. खाने में कैसा होता है? बिल्कुल मीठा होता है. नेक्स्ट, सिक्स नंबर इज सम एप्पल्स आर सॉर इन टेस्ट. मतलब कुछ जो एप्पल होते हैं कुछ तो क्या होते हैं? मीठे होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? खट्टे भी होते हैं, खाने में होते हैं ना. सम एप्पल्स आर सॉर इन टेस्ट, मतलब सॉर मीन्स होता है खट्टा. ओके, तो कुछ एप्पल्स क्या होते हैं खाने में? खट्टे होते हैं. नेक्स्ट,
7, 9, 10. I eat an apple every day. I eat an apple every day. हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन एक एप्पल जरूर खाना चाहिए. क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन एक एप्पल, डेली एक एप्पल को जरूर खाना चाहिए. नेक्स्ट 8th line, लास्ट लाइन इज सो एन एप्पल एप्पल अ डे अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. Keeps the doctor away. अगर हम डेली एक एप्पल खाएंगे तो हमारी बीमारियों से भी हम बचे रहेंगे और हमें डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हमने ये माय फेवरेट फ्रूट एप्पल्स पे कुछ लाइन डिस्कस किए, 8 lines. तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? एप्पल है. इट कम्स इन विंटर सीजन. कौन से सीजन में आता है ये? विंटर सीजन में. इट इज रेड येलो एंड ग्रीन इन कलर. कैसे कलर का होता है ये? रेड येलो और ग्रीन कलर का होता है. इट हैज स्मॉल सीड्स इनसाइड. कैसे सीड्स होते हैं इसमें? बिल्कुल छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना, बिल्कुल छोटे बीज होते हैं. इट इज स्वीट इन टेस्ट. कैसा होता है ये? खाने में मीठा होता है. सम एप्पल्स आर सॉर इन टेस्ट. लेकिन कुछ एप्पल तो क्या होते हैं, खाने में खट्टे भी होते हैं. आई ईट एन एप्पल एवरी डे. मुझे हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन एक एप्पल जरूर खाना चाहिए. मैं भी एक एप्पल डेली खाता हूँ. सो एन एप्पल अ डे. अगर हम एक एप्पल खाएंगे keeps the doctor away. और हम डॉक्टर की जो जाने से बच जाएंगे, क्योंकि हमें जो बीमारी डिसीज होती है वो कैसी होती है? जो हम फ्रूट्स नहीं खाते हैं, सैलेड नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं. तो हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना है? खाना भी खाना है, फ्रूट्स भी खाने हैं, सैलेड भी खाना है. तभी हमारी बॉडी अच्छे से एनर्जी हो पाएगी, हमारी बॉडी में पढ़ाई कर पाएंगे हम, हमारा माइंड ब्रेन चल पाएगा. तो हमें क्या करना है? एक फ्रूट डेली खाना है. ओके बच्चों, तो डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. आपको ये पिक्चर भी बनाना है एप्पल का और उसके ऊपर 8 lines write out भी करना है. थैंक यू. बाय बाय.